दरभंगा में कोरोना से 3 की मौत, 36 मरीज मिले। कोरोना मरीज की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 महीनों से कोरोना की दूसरी लहर कई परिवारों पर भारी पड़ रही। इस जानलेवा बीमारी के रौद्र रूप को लेकर लोग अभी भी दहशत में हैं। शुक्रवार को कोरोना ने 3 और मरीज को ले लिया। DMCH में इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 2 मरीज क्रमशः केवटी थाना क्षेत्र के कोलास्तन और जालवारा के रहने वाले थे, जबकि एक अन्य समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड निवासी बताए जाते हैं। DMCH के COVID-19 अस्पताल में फिलहाल 43 मरीज इलाजरत के कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के दावों के बीच मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 दिनों में DMCH में 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को 3, सोमवार को 1, मंगलवार व बुधवार को 2-2, गुरुवार को 4 और शुक्रवार को 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं दूसरी और कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान COVID-19 संक्रमित 36 नए मरीज की पहचान की गई। राहत इस बात की है कि शाम 4 बजे तक बाजारों खुलने का बावजूद नए मरीज की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि नहीं देखी जा रही है। दरभंगा से दुबई जाना अब होगा आसान। इंडिगो की ओर से आगामी 5 जुलाई से हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू किए जाने की घोषणा के बाद दो के लिए दरभंगा से दुबई जाना आसान होगा। जानकारी के अनुसार आगामी 5 जुलाई से दरभंगा से लोग हैदराबाद होते हुए दुबई तक की यात्रा कर सकते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र से हर साल बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देश रोजगार के लिए जाते हैं। इंडिगो की ये सुविधा अब ऐसे लोगों की को दुबई तक का सफर करना आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार दरभंगा से इंडिगो की फ्लाइट पहले हैदराबाद जाएगी, वहां से यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट से दुबई भेजा जाएगा। यात्रियों को हैदराबाद में कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए करीब 11 घंटे तक इंतजार करना होगा। 5 जुलाई को दरभंगा से दुबई तक का किराया 14,142 रुपए रखा गया है। BEd प्रवेश परीक्षा की तैयारी जोरों पर। राज्य स्तरीय 2 वर्षीय BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET BEd 2021 के आयोजन के लिए नामित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 11 जुलाई में परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित थी। कुल 141,341 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन निर्धारित तिथि कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार परीक्षा में 136,771 छात्र शामिल हो सकेंगे। शिक्षा स्तरीय में कुल 225 आवेदन प्राप्त हुए। अभ्यर्थियों में पुरुष 75,224, महिला 61,200 और 309 राज्य के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। मानसून की तैयारी में जुटा बिजली विभाग। प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है, कुछ ही घंटों बाद मानसून भी दस्तक देने वाला है। जिले में मानसून के दौरान लगातार बारिश एवं आंधी तूफान से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। वहीं बिजली विभाग मानसून से निपटने के लिए पूरी तैयार से होने का दावा कर रहा है। इसको लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारी कर ली गई है। विभागीय अधिकारी के अनुसार प्रोटेक्शन सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्य करता है। वही विभाग के पास पर्याप्त संख्या में मानव बल होने की बात कही जा रही है। अर्बन डिवीजन में हर एक सेक्शन 11 मानव बल प्रतिनियुक्त है, जबकि रूरल में प्रति निरीक्षण 8 मानव बल अधिकार सब जगहों पर मेंटेन किया गया है। लोग पॉइंट की जांच कर रहे, दुरुस्त करने के साथ ही जहां पेड़ की टहनियां लटक रही है उन्हें भी काट कर हटाने का काम जोर से चल रहा है। दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया लालू यादव का जन्मदिन। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन शुक्रवार को राजद नेताओं के पुअर होम के दृष्टि दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। दूसरा कार्यक्रम महेश भट्टी भेगो वार्ड 31 में योगेंद्र राम और राजद राम के परिवार के साथ बच्चों के बीच हुआ। इस मौके पर विधायक अमरनाथ कामी ने प्रथम श्रेणी के पास करने वाली बाली छात्रा को पोशाक भेंट की। अन्य बच्चों में ब्रेड बिस्किट टॉफी का आदि वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लालू यादव जी दलित शोषित पीड़ित व अकेलित के मुसीबत थे, उनके कारण ही आप मुख्य धारा का हिस्सा हैं। सबने लालू प्रसाद के जन्मदिन की एक दूसरे को बधाई दी। मौके पर वार्ड अध्यक्ष नफील सुल्हा गुरुवार रजन नेताओं पंकज आदुर थे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।